सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, माय नेम इज विकास, यू आर वॉचिंग निगा न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन के बारे में, तो चलिए शुरू कर दे। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया 8 रन पर था। तीसरे दिन की शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों की तरफ से शानदार गेंदबाजी हुई और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र 151 रनों पर ऑल आउट हो गए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने मात्र 33 रन देकर 6 विकेट झटके, जिसके बाद भारत के पास 291 रनों की बढ़त मिल गई और इसी के साथ तीसरा दिन खत्म हुआ और भारत एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए उतरा। भारत की दूसरी पारी अभी 54 रनों पर 5 विकेट ऐसी स्थिति में आ गई है और अभी भी भारत के पास 346 रनों की बढ़त है। इस मैच में 5 बड़े विश्व रिकॉर्ड बने। रिकॉर्ड नंबर 1, बुमराह ने 33 रन देकर 6 विकेट चुटके और यह उनके करियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया है। रिकॉर्ड नंबर 2, 8 फरवरी 1975 को इंग्लैंड ने मेलबर्न की पिच पर ऑस्ट्रेलिया को 152 रनों पर ऑल आउट किया था, वही आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रनों पर ऑल आउट कर इस 43 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रिकॉर्ड नंबर 3, पैट कमिंस, कोहली और पुजारा को एक ही ओवर में 0 पर आउट किया और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने। रिकॉर्ड नंबर 4, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन पार करने के लिए 244 रनों का स्कोर दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम सिर्फ 151 रन बना पाई। ऐसा कारनामा 30 साल बाद भारतीय टीम ने किया है। इससे पहले इंग्लैंड टीम ने 1988 में ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दिया था। रिकॉर्ड नंबर 5, पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। 2018 में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में उन्होंने ईशांत शर्मा को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, भारत के 443 रनों के जवाब में बॉक्सिंग डे के तीसरे दिन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया टीम महज 151 रनों पर ढेर हो गई। कांगरू बल्लेबाजों ने जसप्रीत बुमराह के सामने घुटने टेक दिए। बुमराह ने 33 रन देकर 6 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा जडेजा ने 2 विकेट, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा ने 1-1 विकेट लिया। टी ब्रेक के बाद जल्द ही बुमराह ने कांगारो की पारी को समेट दिया। भारतीय टीम को पहली पारी में 292 रनों की बढ़त हासिल थी। भारत के पास मेहमान टीम को फॉलो ऑन देने का मौका था, लेकिन कप्तान ने दोबारा बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 54 रन बना लिए। मयंक अग्रवाल 28 रन और ऋषभ पंत 6 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर नाबाद है और अभी भी भारत के पास कुल बढ़त 346 रनों की हो गई है। पहली पारी में उसे 292 रनों की लीड हासिल है। इस मैच में हिटमैन नाकाम रहे। जल्दी जल्दी 4 विकेट गंवाने के बाद रोहित शर्मा ने मयंक अग्रवाल के साथ पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ 5 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर शॉन मार्क को पहली स्लिप में कैच दे बैठे। ये भारत को सबसे बड़ा 5वां झटका लगा। कमिंस ने इस मैच में 4 विकेट झटके। पहली पारी में 292 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद दोबारा बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए हनुमा बिहारी और मयंक अग्रवाल ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में भारत के लिए पहले विकेट के लिए 28 रन जोड़े, लेकिन पारी के 13वें ओवर में वो एक बार फिर से बाउंस का शिकार बने और वो इस बाउंस को अच्छी तरह से खेल नहीं पाए और लगातार दूसरी बार पैट कमिंस ने उन्हें बाउंसर गेंद पर तीसरे स्लिप में उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करा दिया। पहली पारी में 8 रन बनाने वाले हनुमा विहारी दूसरी पारी में महज 13 रन बना सके। इसके बाद कमिंस ने अगले ओवर में पहली गेंद पर शतकवीर चेतेश्वर पुजारा को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। पहली इनिंग में चेतेश्वर पुजारा ने शतक जड़ा था, लेकिन दूसरी इनिंग में चेतेश्वर पुजारा शून्य पर आउट हो गए। वो लेग स्लिप में खड़े बल्लेबाज को कैच देकर पैवेलियन लौट गए। इसके बाद 2 गेंद बाद विराट कोहली भी बिना खाता खोले अगले ओवर में आउट हो गए। इसके बाद आए अगले ओवर में रहाणे भी जल्दी आउट हो गए।
वो पहली गेंद पर लेग साइड का शॉट खेलने की कोशिश में विकेट कीपर को कैच दे बैठे। इसके साथ ही कमिंस हैट्रिक पर आ गए थे, जिसे रोहित शर्मा ने नाकाम कर दिया। बुमराह ने इस मैच में 6 विकेट लिए। कप्तान पेन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए नैथन लायन बिना खाता खोले बुमराह की गेंद पर LBW आउट हो गए। वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ये बुमराह की पारी का 5वां विकेट था। टी ब्रेक के बाद तीसरे दिन के तीसरे सत्र में शुरुआत में ही कांगरू कप्तान जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विकेट कीपर ऋषभ पंत को हाथों कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत ने यह शानदार कैच लपका। पेन ने 85 गेंदों में 22 रन बनाकर बुमराह का शिकार बने। ये बुमराह का पारी का 4वां विकेट था। दूसरे सेशन में भारत रहा नाकाम। दूसरे दिन के दूसरे सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने कांगरू बल्लेबाजों पर शिकंजा कसकर रखा। लंच और चाय के बीच भारतीय गेंदबाजों ने 30 ओवर में 56 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। टीम इंडिया अभी भी ऑस्ट्रेलिया से पहली पारी के आधार पर 258 रन आगे थी। मेजबान टीम को फॉलो ऑन बचाने के लिए 98 रन बनाने थे। 6 विकेट गंवाने के बाद कप्तान टीम पे ने पैट कमिंस के साथ मिलकर विकेट की झड़ी रोकने की कोशिश की और 7 विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी की, लेकिन मोहम्मद शमी ने कमिंस को टी ब्रेक से पहले 61वें ओवर में बोल कर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका दिया। इसी के साथ शमी ने टेस्ट क्रिकेट में विदेशी सरजमी पर 100 विकेट लेने का कारनामा पूरा किया। लंच के बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श को रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी में फांस लिया। मार्श जडेजा की गेंद पर लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पिच पर बने फुट मार्क पर लगकर तेजी से स्पिन हुई और मार्श के बल्ले को लगकर स्लीप में खड़े अजिंक्य रहाणे के हाथों में समा गए। मिचेल मार्श सिर्फ 9 रन बना सके। लंच के बाद का खेल शुरू होते ही जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर कहर डालते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने परेशानी खड़ी कर दी। ट्रेविस हेड को बुमराह ने एक बार फिर शानदार यॉर्कर डालकर बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 20 रन बनाए। तीसरे दिन लंच से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने शानदार यॉर्कर से शॉन मार्श को LBW आउट कर भारत को 4थी सफलता दिलाई दी। मार्श 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते अंपायर ने लंच की घोषणा कर दी। दिन का पहला सत्र पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। पहले सत्र में 27 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 81 रन बनाए और इसके साथ उन्होंने 7 विकेट गंवाए। फॉर्म में नजर आए उस्मान ख्वाजा ने दोनों ही ओपनर्स आउट होने के बाद कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन वो पारी के 20वें ओवर में जडेजा की एक अंदर आती हुई गेंद पर मयंक अग्रवाल के हाथों लपक गए और सिर्फ 21 रन बना सके। इससे ठीक एक गेंद पहले ख्वाजा ने जडेजा की गेंद पर रिवर्स स्वीप पर चक्का जड़कर 50 रन पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंचाया। फिंच के आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओपनर मार्कस हैरिस के खिलाफ बाउंसर का आक्रमण जारी रखा। ऐसे में पारी के 14 ओवर में तेज बाउंसर को पुल करने के प्रयास में हैरिस लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर खड़े हुए ईशान शर्मा को कैच दे बैठे। हैरिस ने 22 रन बनाए। भारत की पहली पारी में 443 रनों का पीछा करने उठे ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका मैच के तीसरे दिन पहले सत्र में एरन फिंच के रूप में लगा। तीसरे दिन सिर्फ 8 रनों से आगे खेलने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ईशान ने 24 के स्कोर पर पहला झटका दिया। मयंक अग्रवाल ने शॉट मिड पर उनका आसान सा कैच लपका और फिर सिर्फ 8 रन बना सके। टीम इंडिया ने मैच के दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी की और संयमित अंदाज में चेतेश्वर पुजारा ने अपना शतक जड़ा और 106 रन बनाने के बाद और 106 रन बनाने के बाद ही वो आउट हो गए, जबकि पुजारा के अलावा कप्तान विराट कोहली 82 रन, अग्रवाल 76 रन और दूसरे दिन की पारी घोषित करने से पहले रोहित शर्मा 63 रन,
इन तीनों बल्लेबाजों की दम पर भारतीय टीम का स्कोर 400 के ऊपर पहुंच गया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के पास 10 विकेट बाकी थे, लेकिन वो 435 रन पीछे थे।